कनिष्क, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी फर्स्ट रैंक आई है, और मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको कब पता चला? अभी 7-7 के बीच में जब रिजल्ट आया था तभी देख लिया था। उम्मीद थी आपको कि आप फर्स्ट रैंक होल्ड करेंगे? पेपर और इंटरव्यू वगैरह अच्छे हुए थे, बट बीइंग अ फर्स्ट टाइमर, मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आई वाज नॉट श्योर कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे मेंस में। आई वाजंट श्योर कि आएगी, आई वाज होपिंग कि ठीक है आईएएस मिल सकता है, बट फर्स्ट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। सब्जेक्ट क्या था आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? मेरा मैथमेटिक्स था ऑप्शनल। मैथमेटिक्स, तो क्या आपने तैयारी जो है वो कोचिंग वोचिंग में की या फिर घर पे सेल्फ स्टडीज? दिल्ली में फॉर 7-8 months तब मैंने बेसिक कोचिंग ली थी, बिकॉज आई डिडंट हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड अर्लियर, बिकॉज आई वाज डूइंग जॉब फॉर 3-3.5 years, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था, तो जस्ट टू गेट अ बेसिक नॉलेज मैंने कोचिंग करी थी अपार्ट। बट उसके बाद में फ्रॉम लास्ट मार्च से लेकर अभी तक मैंने घर पे पूरी सेल्फ स्टडी करी है। जी, कितने घंटे पढ़ते थे आप? अब ऐसे मतलब मोर देन क्वांटिटी है, बिलीव की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो मतलब 2 months बिफोर मेंस जो होता है तब तो मेरा 8-10 hours डेली का हो जाता था, बट जब मेंस एकदम नजदीक आ गया था 2 months बचे थे तब आई लाइक क्लॉक्ड अराउंड 14-15 hours डेली, तब थोड़ा रिग्रेस ज्यादा हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मैंने कभी इतना बहुत ज्यादा रिग्रेस स्टडी करी नहीं थी। तो क्या शुरू से ही मन था कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है, मतलब दैट वाज द ओनली थिंग कि आपने करियर वाइज यही सोचा था? मतलब इट इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, मेरे फादर इज ऑल्सो इन सर्विसेज, प्रमोटी आईएएस इन राजस्थान, उनका भी तो उनका मन था कि मैं सिविल सर्विसेज दूं, बट आई वाजंट श्योर, मेरे को पहले थोड़ा लाइफ एक्सप्लोर करना था। आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे मैंने 2-3 साल नौकरी करी थी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई डेवलप दैट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। आप रहने वाले कहाँ के हैं गणेश? मैं जयपुर राजस्थान के। जयपुर राजस्थान, तो क्या कहते हैं अपने बारे में कुछ बताएं? आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा वेगेंट तो नहीं है। क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जैसा सेलिब्रिटीज से पूछा जाता है, मैं बिल्कुल आपसे वैसे ही पूछ रही हूँ। वैसे पसंद ना पसंद का तो नहीं है, मतलब थोड़ा आई एम अ पर्सन विद लिटिल यूटोपियन माइंड जो बोलते हैं, थोड़ी थिंकिंग मेरी वैसी है, एंड वही मेरा रीजन था सिविल सर्विसेज में आने का। एक्चुअली आई वर्क्ड इन साउथ कोरिया फॉर अ पीरियड ऑफ 1.5 years, एंड उसके बाद में मैं बैंगलोर में था 1 साल। बैंगलोर में किस तरह की जॉब? मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जॉब थी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैं बाहर की लाइफ को अपनी इंडिया की लाइफ से कंपेयर कर रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि तो मेक द सिस्टम बेटर इन इंडिया, आई वॉन्ट टू गेट इन टू द सिस्टम, एंड मतलब वो थ्रू माई फादर आई हैड अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होता है। घर में तो कौन कौन है कनिष्क? मेरी बड़ी सिस्टर है, शी इज इन 3rd year ऑफ PG, डॉक्टरी कर रही है। अच्छा। माय मदर इज देयर, शी इज एन हाउसवाइफ, एंड माय फादर इज इन इंडियन एक्सपर्ट सर्विसेज। अब आपके घर में जब पता चला कि आपने टॉप किया है, क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो मतलब सब इमोशनल हो गए थे, और मतलब एकदम सरप्राइजिंग ही था, मतलब इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो लोगों को इतना आइडिया रहता नहीं है, एंड मी माइसेल्फ आई वाजंट श्योर। लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स से तैयारी शुरू होती है, तो अगर मान लीजिए कोई एकदम न्यू कमर है, मान ले मैं तैयारी करने जा रही हूँ, तो आप मुझे क्या चीजें बताएंगे कि ऐसे प्रीलिम्स की तैयारी करो, फिर मेंस के लिए करो, फिर इंटरव्यू के लिए करो, प्रोसेस क्या होती है सारी, आपने क्या प्रोसेस अप्लाई किया? प्रोसेस एक्चुअली अभी फोन पे बताना तो थोड़ा काफी बड़ा प्रोसेस रहेगा, बट मतलब करक्स मैं ये बोलूंगा कि मेरा एज सच कोई जो अपन बोलते हैं पेनिशिया जो बोलते हैं ऐसा कुछ था नहीं कि ये मेथड चली जाएगा। एक्चुअली फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हैड क्लियर, एंड 2-3 ऑफ देम हैड क्लियर, तो मतलब जिनकी सिमिलर प्रोफाइल थी, तो आई वॉज इन टच विद देम, एंड उन्होंने मेरे को दे हैड हेल्प मी, एंड आई फॉलो देयर स्ट्रेटेजी, एंड उसको मैंने थोड़ा ट्वीक करा था एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसे कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं करा था कि इससे मेरा ये फॉलो करने से क्लियर हो जाएगा। आई सॉ सम पैटर्न्स इन हाउ माय फ्रेंड्स हैड स्टडीड, एंड उसी को मैंने खुद के लिए अडॉप्ट करके स्टार्टेड डेवलपिंग इट। और आप क्या ओवरऑल टॉपर रहे हैं 10th 12th ग्रेजुएशन जो आपने IIT से किया सारा? In IIT JEE I had 44th rank in 2010, and in 10th 12th also my percentage was in 94-96% around था, so I was amongst the toppers. और entertainment के लिए आप क्या करते हैं कनिष्क, मतलब सिर्फ क्या पढ़ते ही रहते हैं 24 घंटे? नहीं, मैं बहुत बड़ा मतलब क्रिकेट एंड फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब अगर मेरा 3 June को prelims था तो मैं 26 May को चैंपियंस लीग का फाइनल देख रहा था लाइव बैठ के। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? मतलब ओवरऑल तो सचिन है, इन करंट प्रेजेंट टाइम्स विराट कोहली एंड डिविलियर्स। और फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस, मतलब ऑल्दो इट्स वेरी वियर्ड टू आस्क, नहीं इतना मतलब ऐसे इतना मैं फॉलो भी नहीं करता हूँ, ऐसे कुछ फेवरेट है कोई फेवरेट है भी नहीं।